बिल्कुल राघवेंद्र आपके पास लौटेंगे, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, भव्य रोड शो जिसकी तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ जोन रही है, लेकिन इस बार वहां के समीकरण कैसे हैं और इस वक्त माहौल क्या है, दिखाइएगा अनामिका। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए पारंपरिक सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालजी टंडन से लेकर राजनाथ सिंह इस लीगेसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, अब वो इस सीट से तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं। और मैं उन्हीं सड़कों से होकर गुजर रही हूँ, हजरतगंज की सड़कों से, जहाँ पर देख रहा हूँ कि विशाल रोड शो राजनाथ सिंह का निकला हुआ है। और इस पूरे के पूरे इलाके में आम लोगों के लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको भगवा एक तरीके से भगवा झंडे, बीजेपी का कमल का फूल, साथ ही साथ नारों से गूंज रहा है, ये पूरा का पूरा रास्ता दिखाई देगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग यही लखनऊ के हैं, कैंट के, कैंट इलाके के रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में है, कितना आरामदायक जीत होगा इस बार उनका? अब आप खुद ही देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उनके नामांकन कार्यक्रम में कितने लोग जो है, कितने हर्षोल्लास, एक त्योहार की तरह नामांकन उनका कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, यहाँ पर बीएसपी की ओर से उतारे गए हैं, लगता है इस बार चुनौती बढ़ जाएगी राजनाथ सिंह के सामने। देखिए राजनाथ जी की वो छवि है कि उनके आगे वो सब फीके हैं। अच्छा। जी काम आप हुआ है लखनऊ में? लखनऊ में बहुत काम हुआ है, 2014 से पहले आप देख लीजिए कितना जाम में हम लोग परेशान रहते थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाला पुल हो, नखास वाला हो, या फिर जो है नाका हिंडोला आउटर रिंग रोड। राजनाथ जी ने तो हम लोगों को बहुत, यहाँ लखनऊ में बहुत काम किया है। कुछ रोजगार को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि रोजगार को लेकर काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी को लेकर काम नहीं हो रहा। नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है किसी प्रकार की, अभी रोजगार के लिए काम हो रहा है। अभी मानदी जी ने कम से कम 50,000 लोगों को नौकरी दी है। अभी रोजगार मेला लगा था जिसमें कि 35,000 लगभग जो है लोगों को। छोटी गाड़ी कैसे अरेंज कर ली आप लोगों ने रोड शो में? देखिए ये हम लोगों का अपना व्यक्तिगत, उनका इसने उनका प्यार इतना है हम लोगों के लिए, हम लोगों के अंदर भी उनके लिए इतना प्यार है कि हम लोग अपने उससे जो है पूरी तरीके से सब कुछ जो है करना देंगे। मुसलमान भी देखिए, क्योंकि सरकार जो है जो भी योजना लाई उसमें किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं किया, कोई धर्म नहीं। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत अधिक संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ से मतदान पा करके विजय प्राप्त करेंगे और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में या भारत सरकार में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं वो पैदल भी चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों से भी हैं, लेकिन चूंकि जो काफिला है वो काफी आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रथ जिसमें जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, नगर कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबकी मौजूदगी है। लिहाजा ये जो पूरी की पूरी सड़कें देख रहे हैं आप, आज बीजेपी झंडे से गुलजार है। रोड शो का ये रूट है जहाँ पे 100 जगह ऐसे बनाए गए छोटे छोटे, जहाँ पर रुक रुक करके राजनाथ सिंह के काफिले का स्वागत किया जाएगा। 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस और नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की ओर से दावा ये कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे जो 2014 के थे, 2019 के थे, और इस बार 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से राजनाथ सिंह जीत हासिल करेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि 2024 में जो जीत का आंकड़ा या फिर जो वोटों का आंकड़ा होता है वो क्या कुछ कहता है। लेकिन आगे देखिए, आपको मेरे दाहिने हाथ पर या बाएं हाथ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां, बीजेपी कार्यकर्ता और जो और लखनऊ की जनता है वो सड़कों पर दिखाई देगी। माना ये भी जाता है कि लखनऊ जो है बीजेपी के लिए कंफर्टेबल जोन रहा है, क्योंकि शहरी वोटर ज्यादातर एक तरफा बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन साल दर साल जो है ये जिम्मेदारी नेताओं पर बढ़ती रही। तो तस्वीरें लगातार अनामिका हम तक पहुंचा रही है, दर्शकों को दिखा रही है, और ये लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं जो राजनाथ सिंह के समर्थन में उतरी हुई है। रोड शो ये एक तरह से नामांकन से पहले बता रहा है कि कितनी मजबूत स्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से है, और यही वजह सेफ सीट भी कहा जाता है। बड़े से बड़े कद्दावर चेहरे यहाँ से उतरे हैं और राजनाथ सिंह लगातार यहाँ पर इस सीट पर अब अपनी चुनावी ताल ठोकने के लिए नामांकन भरने वाले हैं रक्षा मंत्री। तस्वीरें, भव्य तस्वीरें सामने आ रही है लखनऊ से। तो नॉमिनेशन फाइल होने वाले इस बीच लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जहां आरक्षण खत्म न करने की गारंटी दे रहे हैं, वहीं हैदराबाद के भाईजान वोटर्स को भड़काने के लिए झूठ का सहारा कैसे ले रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए।
अमित शाह आकर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। देश में लोकसभा चुनाव को रखेंगे, ऐसे में सियासी डर और डर वाली सियासत दोनों देखने को मिल रही है। विपक्ष में जहां वोट बैंक खिसकने सकने का डर है, वहीं AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता वोटरों को साधने के लिए डर वाली सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। इतना कि नहीं, वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयानों पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। अमित शाह आकर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आप जब अकलियतों के तरक्की के मौकों को खत्म करके रखना चाहते हैं, उनको आप ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने हैदराबाद सीट पर भाईजान की मुश्किलें बढ़ा रखी है। ओवैसी को अपना गढ़ छिनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए आरक्षण छीनने का डर दिखा रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी पहले नेता नहीं है जो आरक्षण पर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस भी झूठ का प्रचार जोर शोर से कर रही है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तेलंगाना कांग्रेस पर गृह मंत्री का फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने दो शिकायतें भी दर्ज कर ली हैं। आरक्षण खत्म करने को लेकर विपक्ष ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया तो गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। ओवैसी ने आरक्षण के नाम पर लोगों को डराना शुरू किया तो RSS प्रमुख ने मोर्चा संभाला। ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर मोहन भागवत ने समाज में फैले भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण की वकालत की। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे करके अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। देश में आरक्षण हमेशा से सियासी मुद्दा बनता रहा है। जाति के नाम पर कई क्षेत्रीय दल सालों तक राज करते रहे, लेकिन जब से पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आए, ऐसे दलों की सियासी जमीन कमजोर होने लगी। ऐसे में वोट बैंक को साधे रखने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी उनके झूठ पर भारी पड़ रही है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम की यह गारंटी ही विपक्ष के लिए सरदर्द बन गई है, जिसके बाद वोटरों को आरक्षण खत्म होने का डर दिखाया जा रहा है, झूठे वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के हर हमले का जवाब बीजेपी की लीडरशिप खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सीएम योगी ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं पता, राहुल देश के राजाओं का योगदान भूले। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज दाखिल करेंगी नामांकन, नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह दाखिल करेंगे नामांकन, राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना, नामांकन से पहले राजनाथ सिंह रोड शो करेंगे। असम के चिरांग में सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित, जनसभा के दौरान सीएम ने लोगों